अच्छा अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, अगर पाकिस्तान में किसी को कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्टर करनी हो तो उसका तरीका कार क्या होता था? पहले तो चीज़ है कि प्रोप्राइटर जो होती है कंपनी नहीं होती है, प्रोप्राइटर जो होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी काम करता है वो करता है ना। ठीक है, प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। होती ही नहीं होती है। ओके, अब अगर कोई कंपनी नाम रखना चाहे जुनैद एंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो कहता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको करवा, वो अपने कर सकता है काम, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो ये भी जुनैद एंटरप्राइज रख लें, ये भी जुनैद एंटरप्राइज रख लें तो क्या होगा? नाम का देखें, इसमें अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है तो नाम तो रख सकता है ना, लेकिन जो उसके पीछे आप काम कर रहे हैं तो असल चीज वो है कि उसकी आप ट्रेडमार्क से रजिस्ट्रेशन करवाएं ना। नाम की या काम की? काम की, तो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पर वो चीज का क्लैश नहीं होगा। ओके, तो पता ये चला कि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होती। अगर किसी को अगर प्रोप्राइटरशिप कह रहे हैं तो फर्म जो होती है ना, फर्म का डेफिनेशन क्या होगी? जब दो से ज्यादा मिलकर लोग बनाए तो वो पार्टनरशिप फर्म कराती है। ठीक है, और नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाई जा सकती है। प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई तरकीब प्रोप्राइटरशिप की। तो अगर सिंपल आप जाएं एनटीएन इनकम टैक्स ऑफिस जाकर एनटीएन ले लें या ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर लें और एनटीएन नंबर ले लें, आपकी कंपनी बन गई। थैंक यू सर। आपका ईमेल एड्रेस बता देंगे? जुनैद अहमद ज़ेड@hotmail.com। जुनैद अहमद ज़ेड@hotmail.com। थैंक यू सर।